नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिसको कि आपने बहुत बार टीवी पर, यूट्यूब में, वीडियोस में देखा है, और आज की तारीख में अगर बात करूं तो वो एक बहुत ही बहुचर्चित चेहरा है। वो व्यक्ति जो इतना बहुचर्चित है, वो कैसे रहता है, किस तरह के कमरे में रहता है, किस तरह का जीवन जीता है, आइए आपको बताते हैं। अभी आपको नाम बताऊंगा, आपको सीधा मिलवाता हूं, उनके दरवाजे के आगे खड़े हैं, नॉक करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। रेडियो द्वारका की सारी टीम का हार्दिक स्वागत, सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत। हरे कृष्णा। अब आप समझ गए हम कहाँ आए हैं। अमोक जी मेरे साथ हैं, और आज हम आपको पहले तो दिखाते हैं कि अमोक जी का कमरा जिसमें अमोक जी रहते हैं। हाँ जी, तो आइए प्लीज। ये हमारा आलिशान बंगला है, आपका हार्दिक स्वागत है। सो इसमें ये जो है रात मेरा बेडरूम बन जाता है ये, और अभी मेरा ड्राइंग रूम बना हुआ है, तो इसलिए अगर कोई मेरे से मिलने के लिए आता तो दो तीन भक्त बैठ पाते हैं, बाकी मैं बैठ जाता हूँ लाइक दैट। ये मेरा ऑफिस एरिया भी है और ये मेरा रीडिंग टेबल भी है, तो इससे मैं यहाँ पर काम भी कर लेता हूँ, जो सेवा करनी है या फिर कुछ अगर लैपटॉप पे कुछ काम करना है तो वो काम भी होता है। प्रिंट आउट अगर निकालना हो तो फिर प्रिंटर भी है, और प्रिंटर आपने देखा थोड़ी अलमारी भी बना हुआ बेचारा वो थोड़ा सा। सो और वो एरिया जो है दैट्स द मोस्ट मेसी पार्ट, वो मेरा किचन एरिया है, तो वहाँ पर कैमरा ना ही लेके जाए, अभी आपको वहाँ पर फिलहाल दिखेगी, वहाँ पर खाने पीने का सामान दिखेगा, और वहाँ पर कुछ दवाइयाँ दिखेंगी, बर्तन दिखेंगे। तो ये रैक के अंदर वही है, कुछ इसमें दवाइयाँ हैं, कुछ इसमें घी पड़ा हुआ है, सो इस तरह का सामान। तो दैट्स द किचन एरिया, द मोस्ट द बिगेस्ट किचन इन द वर्ल्ड। तो आप कुकिंग भी कई बार करते हैं? हाँ, मैं समटाइम्स आई मेक जैसे स्वीट कॉर्न होते हैं, उनको उबाला, उसको थोड़ा नींबू निचोड़ा, क्योंकि मैं जब आता हूँ तो मैं आता हूँ प्रसाद खत्म हो चुका होता है, ये सब प्रसाद पा लिया, अब क्या करें। सो मैं थोड़ा सा भुट्टे उबालता हूँ, स्वीट कॉर्न उबाला, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ा, थोड़ा सा नमक डाला, उसके अंदर काली मिर्च डाली, आई हैव दैट। और समटाइम्स आई गॉट सम ग्रेन की नूडल्स आते हैं, मल्टी ग्रेन नूडल्स भी आते हैं, तो वो लेता हूँ, उसमें थोड़ा सांभर मसाला ये सब डाल कर, कसूरी मेथी डाल करके, सो उस तरह उस वक्त कुछ गर्मा गर्म बन जाता है। आई अवॉइड टेकिंग मैदा, बट यस अदर थिंग्स आर देयर। तो ये कुछ चीज़ें फटाफट बनाने वाली चीज़ें होती हैं, कुछ अगर नमकीन है तो मैं नीचे से टमाटर लेके आ गया, टमाटर काट के भेलपूड़ी बनाई थोड़ी सी, भगवान को भोग लगाया और पानी लाइक दैट। सो ये मेरा आटरम पटरम सामान है, ये मेरा विंटर क्लोथ मेरे ऊपर पड़े हुए हैं, वहाँ मेरा बिस्तरा है, और इसमें नीचे उतारता हूँ एंड आई लाई डाउन हियर। और ये मेरी अलमीरा है, ओ बुक्स ही बुक्स, जिसमें बुक्स ही बुक्स रहती हैं। सो तो यहीं से बुक निकाल करके आई कैन स्टार्ट रीडिंग, तो ये भी बुक्स हैं, और यहाँ पर भी बुक्स ही हैं, और यहाँ पर भी सनी इधर आके दिखाओ, इधर दिखाओ, बुक्स ही बुक्स ही है। सो दैट्स इट। बस यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत मैं अपने कपड़े, इसे कपड़े मेरे बेचारे बाहर घूम रहे हैं वो, क्योंकि उनको अलमारी में कोई रिस्पेक्टेबल जगह मिल नहीं पाई बेचारों को, सो दे आर लाइंग अप। बट एक शेल्फ है जिसमें मेरे धोती कुर्ता वगैरह रहते हैं, उसमें नीचे रखे हुए। हाँ बस ये बस थोड़े से बस यहीं पर ही है, ये वो थोड़े से धोती कुर्ता यहाँ पड़े हुए। अच्छा प्रभु जी, जैसे मतलब अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से 4 फुट बाय 10 फुट, हाँ कुछ ऐसे ही होना चाहिए 4 फुट बाय 10 फुट साइज का आपने पूरा इस्तेमाल। अच्छा मैं सनी एक बार इधर प्रभु जी थोड़ा सा, इसमें आपने बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं भगवान कृष्ण की, प्लीज थोड़ा इनके बारे में। तो ये बेसिकली दिस फॉर माय मेडिटेशन, कहीं मैं अगर जपा करता हूँ तो मैं यहाँ देख के जपा करता हूँ। सो यहाँ राधा कृष्ण की लीलाएँ हैं, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, यहाँ पंचतत्व हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सो पंचतत्व कृष्णा, बलराम जी, महाविष्णु जी, राधा रानी और नारद मुनि जो आए एस चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित एंड श्रीवास ठाकुर, वो हैं। ये हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, तो उनका कोलाज बनाकर ही किसी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था एक भक्त ने। सो इट्स देयर। ये मुझे गैंगटॉक में मैंने रामकथा की थी, तो अपने हाथ से बना करके एक लड़के ने मेरे को ये स्केच बना के दिया था। अच्छा एक चीज़, मैं आप अपने गैंगटॉक का जिक्र किया तो प्रभु जी, जो इस्कॉन मतलब सिक्किम में भी आप बहुत पॉपुलर हैं, वैसे तो आप सारे देश दुनिया में पॉपुलर हैं बट सिक्किम में विशेष आपके बहुत फॉलोअर हैं। हाँ यार, सिक्किम एक्चुअली सिक्किम जो है बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सादगी से भरे लोग हैं, सरल लोग हैं, और हर रोज मैं देख रहा था मतलब पूरा हॉल भरा होता था, तो राम जी कथा सुनने का इतना मन है उनका, क्योंकि वो राम जी कहीं ना कहीं सबके हाँ बसे हुए हैं, वो कल्चरली वो उनका कनेक्ट है ही है, तो इसलिए गैंगटॉक वॉज रियली अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस डूइंग राम कथा इन गैंगटॉक। तो इस तरह से रहता है, यहाँ भी पंचतत्व ही है, यहाँ पर मेरे गुरुदेव हैं, श्री प्रभुपाद जी हैं, तो इस तरह से वेरा वेरा आई लुक एट, तो
आपको आई हैव दर्शन ऑफ द लॉर्ड, तो मैं भगवान पे मेडिटेट कर पाता हूं. सो दैट इज वेरी हेल्पफुल. एंड प्रभु जी ये ये विठल जी हैं. अच्छा, ये मैं जब गया था पंडरपुर, तो वहां पर मुझको फिर ये विठल जी मिले. रुक्मणी माई नहीं मिले मेरे को फिलहाल, तो यही दिए गए. अच्छा, सो इस तरह से ये मैं टेडएक्स टॉक का ये हो गया. दिस इज माय मुंशी टेबल. अच्छा, सो ये मैंने स्पेशली बनवाया है बिकॉज ये थोड़ा स्लैंटिंग होता है वाला साइड. सो यहाँ किताब रख करके पढ़ना आसान होता है, और लैपटॉप जब आप काम करते हैं तो आपके हाथों पे स्ट्रेन कम पड़ता है. सो आई डोंट गो फॉर स्ट्रेट टेबल. तो ये जगह रखने के लिए है ये स्लैंटिंग, सो इसको बोलते हैं मुंशी टेबल. सो ये मैंने स्पेशली बनवाया था सो दैट आई कैन रीड एंड डू माई स्टफ ईजिली. प्रभु जी आपका दिन शुरू होता है 3 बजे के करीब सुबह. हाँ, तीन साढ़े तीन आप बिल्कुल सुबह से क्या उठते कैसे क्या? बस फिर सुबह से उठता हूँ तो फिर सारा बिस्तरा फोल्ड करके फिर उसको ऊपर डाल देता हूँ, फिर यहाँ पोछा लगाता हूँ बिकॉज आई स्लेप्ट हियर, तो थोड़ा तमस होता है इस जगह पे, तो उसको क्लेंजिंग करता हूँ. सुबह उठते पहले पोछा लगाता हूँ, रूम साफ करता हूँ, देन आई गो एंड टेक बाथ, फिर स्नान किया, फिर 4:30 बजे हमारी मंगल आरती होती है, फिर वो 5, 5:15, 5:30 के आसपास ख़त्म होती है. उसका फिर 2 घंटा भी चैंट जपा. सो फिर हमारे कृष्ण महामंत्र जपा करते हैं अपने बीट्स पर, दिस व्हाट वी डू. और उसके बाद फिर हमारे फिर गुरु पूजा है, भागवतम क्लास है, प्रसादम है, ये करते करते 10 बज जाते हैं. फिर 10 बजे के बाद फिर सब भक्त लोग अपने अपने सेवा में जाते हैं. कोई फंड रेजिंग में गया हुआ है, तो कोई कॉलेज टीचिंग के लिए गया हुआ है, तो कोई कांग्रेशन टीचिंग में गया है, तो कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा है, तो कोई कीर्तन करने के लिए गया हुआ है, कोई किसी प्रोग्राम में गया हुआ है, तो कोई कॉर्पोरेट में गया हुआ है, तो सेवाओं में चले जाते हैं फिर ब्रह्मचारी जिस तरह से. फिर अगेन देन वी कम बैक अराउंड से 1:00, 2:00 आते हैं, अपने कपड़े वगैरह धोते हैं बिकॉज वी डोंट हैव वाइव्स टू क्लीन आर क्लॉथ्स, तो इसलिए कपड़े धोने के लिए फिर वापस आते हैं. सो कपड़े धोते हैं, अपने बर्तन वगैरह कुछ धोते हैं, प्रसाद वगैरह पाते हैं हल्का सा, आधा घंटा किसी को रेस्ट करना हो बिकॉज सुबह 3 बजे के जगह में तो वन कैन फील लिटिल ड्राउजी, तो आधा घंटा रेस्ट करते हैं. एंड देन अगेन वी गो बैक, कि अब शाम का समय फिर कहीं ना कहीं निकले हैं कीर्तन के लिए, कहीं प्रोग्राम के लिए, कहीं लेक्चर के लिए, कहीं काउंसलिंग करने के लिए, कहीं प्रसाद बांटने के लिए, ऐसे करते करते फिर रात हो जाती है. सो इन दिस वे 9-10 बज जाते हैं, फिर लिटिल बिट ऑफ रीडिंग करते हैं, जैसे मैं रात को रीडिंग करता हूँ, एंड देन आई स्लीप बाई 11, गेट अप अगेन बाई 4, से 3:30, 4:00 और सो. तो इस प्रकार से हमारा रूटीन रहता है. इतना जो अभी भी मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो आप पूरे चार्ज हैं, मतलब बिल्कुल एक्टिव एकदम, ऐसे कैसे रह पाते हैं प्रभु जी सारा दिन? एक्चुअली ना, जितना आप निस्वार्थता से जीवन जीते ना उतना आप में एनर्जी रहती है. स्वार्थ हमारी एनर्जी को चूस लेता है. तो एक जो ब्रह्मचारी है इज़ नॉट लिविंग फॉर मनी, कि हमें तनख्वाह मिलेगी भाई इतने व्यूज डालो 10% तुम्हारा, तो ऐसा भी हमारा कुछ है नहीं हिसाब किताब. तो हमारा तो नो बैंक अकाउंट, नो सैलरी अकाउंट, कुछ भी नहीं होता. ऑफकोर्स मंदिर से जो मिलना होता है वो हमें हम बताए थे, से इन केस इफ आई वांट अ लैपटॉप फॉर सर्विसेज, मुझे नोट्स बनाने हैं, मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, वी वांट टू मेक अ वेबसाइट, वी वांट टू डू सम वीडियो एडिटिंग, तो उसके लिए देन टेंपल वुड गिव अस ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो या मेडिकल नीड्स हैं, वो मंदिर पूरी करता है. सो लेकिन वैसे हम ऐसे कोई सैलरी वगैरह नहीं लेते कि भाई इतना तो मिलता है, देखिए हमने MBA किया है, बाहर इतना मिलता था, इतना तो दे दीजिए, फिर हम कर्मचारी हो जाएंगे, फिर ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे फिर हम. तो इसीलिए ब्रह्मचारी डजंट टेक एनी मनी एट ऑल. पर लेकिन मंदिर पर हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, क्लॉथिंग की, फूड की, मेडिकल नीड्स, वो पूरी वैसे हो जाती हैं. अच्छा अमोक जी एक चीज़ बताएं, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी खुशबू सी महसूस हो रही है, किस चीज़ की है ये खुशबू? अगरबत्ती की हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि मैं सुबह सुबह यहाँ पर आरती भी करता हूँ. सो वैसे हमारी मेन आरती तो टेम्पल हॉल में चलती है, बट यस वी कैन हैव आरती, आर ओन इंडिविजुअल आरती, ऑल्सो पर्सनल आरती विद द लॉर्ड, तो वो मैं सुबह करता हूँ. तो ये खुशबू जो है बेसिकली एक वन फ्लेवर आता है अगरबत्ती का, विच इज़ ऊद. अच्छा, तो ऊद का अक्सर लोग परफ्यूम्स लगाते हैं. सो ऊद का फ्लेवर का मेरे पास अगरबत्ती है, सो आई यूज़ दैट अगरबत्ती, सो ये उसी खुशबू है. मैं सनी एक बार एक यहाँ पे देखिए कमरे में छोटा सा शीशा भी लगा हुआ है एक बार ये तो ये शीशा तिलक लगाने के लिए, तो बड़ा शीशा नहीं जिसमें हम बिकॉज शीशा देखकर क्या है, वी बिकम मोर बॉडी कॉन्शियस, कैसे दिख रहा हूँ दिस दैट, हमें इतना ही चाहिए जितने में तिलक लग जाए बस, तो इसलिए ये छोटा सा शीशा बस इतना ही है. एंड प्रभु जी सब पूरे जो चार्जिंग पॉइंट है पूरा ऑक्यूपाइड है, पूरी तरह ऑक्यूपाइड है, कोई इसमें कोई लैपटॉप चार्जर है, कोई मोबाइल चार्जर है, कोई इसमें मेरा इलेक्ट्रिक केटल का है. सो वही सारे मिल मिला करके वो रखे यहाँ पर. सो व्यूअर्स आपने देखा अमोक जी आज के समय में एक बहुत ही चर्चित चेहरा है, जो कि अलग अलग जगह पर प्रचार करते हैं, बात करते हैं, अपने पक्ष रखते हैं, और वो इस कमरे में रहकर सारी दुनिया में अपनी बात पहुंचाते हैं. और ये वो कमरा है जहां अमोक जी रहते हैं अभी 10 साल हो गए, 11 साल है 11 साल
इनफैक्ट जब से प्रभु जी मेरे ख्याल से ये बना है इस्कॉन, आप तब से ही हाँ तब से यहीं पर हैं। बल्कि हमारे बाकी जो ब्रह्मचारी हैं वो तो मतलब दे लिव इवन मोर सिंपलर देन दिस। वो तो भाई इससे थोड़ा सा बड़ा कमरा, लेकिन उसमें दो ब्रह्मचारी साथ रहेंगे, तीन ब्रह्मचारी रहेंगे, लाइक दैट। तो मैं अकेला रहता हूँ बिकॉज मेरा आने जाने का कुछ पता नहीं होता। मैं कभी कभी देर रात को भी आता हूँ तो बेचारे बाकी ब्रह्मचारी डिस्टर्ब होंगे। सो आई लिव अलोन इन दिस रूम ऑल दो, पर लेकिन यस वी लिव इन अ वेरी सिंपल वे लाइक दैट। देर इज नो बेड एज सच, हम यहाँ जमीन पे सो जाते हैं रात को, तो गद्दा ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, सर्दी गर्मी सब? हाँ सर्दी गर्मी सब इसी में रहता है, दैट्स इट। सो इट्स अ पोर्टा केबिन। पोर्टा केबिन क्या होता है? ये बेसिकली इसमें ग्लास हाउस इफेक्ट होता है, इन द सेंस इसमें हीट आती है लेकिन हीट एग्जिट नहीं करती। ओह अच्छा। सो मैंने शुरू में इसलिए पहले एसी नहीं लगवाया था, हालांकि कि ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं एसी का इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन एसी नहीं था तो गर्म हवा में इनहेल कर रहा था, उसकी वजह से मेरे को डिहाइड्रेट हो गया मेरे लंग्स, सो आई गॉट एस्थमा अटैक। उसके बाद फिर एसी इंस्टॉल किया गया कि भाई साहब अस्थमा से मरना नहीं है, तो इसलिए फिर एसी इंस्टॉल हुआ। सर्दी में इट बिकम्स वेरी कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड, तो इसलिए फिर ब्लोअर भी चाहिए होता है। ब्लोअर मेरे को सर के पास रखना पड़ता है, नहीं तो सुबह मैं कुल्फी बन जाऊँगा, मैं नहीं उठ पाऊँगा। तो सो वेदर ऑलरेडी एक्सट्रीम है दिल्ली के अंदर, उस एक्सट्रीम को और एक्सट्रीम बनाता है ये पोर्टा केबिन, क्योंकि ये ईंट पत्थर का नहीं बना हुआ, ये बेसिकली लोहे का केज है। लोहे के केज पे हमने कार्डबोर्ड लगा करके बनाया हुआ है, तो इट्स अ वेरी सिंपल टेम्परेरी स्ट्रक्चर। पर इसमें लेकिन एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड रहते हैं, ये सिर्फ हमें बारिश से बचाता बस, दैट्स इट। एंड प्रभु जी ये जो ऊपर लाइट है येलो, एनी स्पेसिफिक रीजन? नहीं, एलईडी लाइट है इससे, बस ये बस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। और वैसे मैंने लाइट थोड़ी एक और जलाई हुई अभी, अदरवाइज आई कीप लाइट थोड़ा सा हल्की। अच्छा। तो जो और रीडिंग करनी हो तो फिर मैं बस ये टेबल लैंप है, पर मैं कमरे में हल्की हल्की रोशनी रखता हूँ ताकि चीज़ें नज़र भी आए एंड अच्छी लगता है वो। सो दैट इज LEDs आर देयर। सो व्यूअर्स, आपने देखा अमोक जी का ये रूम, और अमोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, हमें ये जगह दिखाने के लिए जहाँ आप रहते हैं, जहाँ से आप रह कर सब जगह प्रचार कर रहे हैं। तो ये जब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ। धन्यवाद, हरे कृष्ण।